नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेरेंट्स, आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि बच्चों के मुंडन के बाद बच्चों के जो बाल कटते हैं तो वो किस दिन और किस टाइम पे कटवाना चाहिए। मुंडन के बाद जब हम दूसरी बार बच्चों के बाल कटवाते हैं तो बच्चों के बालों को क्या करना चाहिए, हमको फिर से दूसरी बार भी बच्चों के जो बाल हैं तो उनको फिर से नाई के यहाँ ले जा करके और बच्चों के बाल फिर से पूरे बाल निकल के जो बाल होते हैं पूरे निकलवा देने चाहिए। उसके बाद ही पेरेंट्स आपको दूसरी बार 3-4 महीने के बाद में बच्चों का जो सिर है तो वो पूरे बाल निकलवा देना चाहिए। और ये इंतज़ार ना करें कि मतलब बाल बच्चों के बड़े हो जाएं, ऐसा नहीं है। और 3-4 महीने के बाद ही आप उनको पूरे सर से बाल फिर निकलवा दीजिए तो बच्चों के बाल बहुत ही घने होंगे। बच्चों का जो पेरेंट्स मुंडन है वो तो एक बच्चों का संस्कार है कि मतलब बच्चों का संस्कार किया जाता है, वो हर एक किसी को मालूम है। तो वो तो टाइम और जितना मतलब जो शुभ मुहूर्त होती है उसमें किया जाता है पंडित से भिजवा करके। और जो ये बाल होते हैं तो ये जो मुंडन के बाद बाल आते हैं तो इसमें कोई विचार और कोई वो नहीं है, तो इसको आप ये ज़्यादा के बाद बच्चों के कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बच्चों के बाल नहीं कटवाने चाहिए। बच्चों के बाल पेरेंट्स किस किस दिन नहीं कटवाने चाहिए वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इतवार को बच्चों के बाल नहीं कटने चाहिए और मंगलवार को बच्चों के बाल नहीं कटने चाहिए, बृहस्पतिवार को बच्चे के बाल नहीं कटने चाहिए और शनिवार को भी बच्चों के बाल नहीं कटने चाहिए। बच्चों के इन चार दिन जो हमने आपको बताए हैं उसमें बाल नहीं कटवाए जाते, क्योंकि उसका जो होता है जो बाल कटवाए अगर कटवा लिए तो बच्चों में बहुत ही बड़ा दोष माना जाता है। इसलिए बच्चों का बाल इन चारों दिनों में नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ बीमारी भी लग सकती है और बच्चों के साथ मतलब बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो ढीला पड़ जाता है, अनबन सा रहने लगेगा, वो सुस्त पड़ जाते हैं बच्चे। इसलिए इन दिनों में बाल ये गहरे दिन होते हैं और वैसे दिन होते हैं गरु दिन इनको बोलते हैं, इन दिनों में बाल बच्चों के नहीं कटवाना चाहिए। अरे बच्चों के पेरेंट्स बाल कटवाने चाहिए, शाम को नहीं कटवाना चाहिए आपको बाल। जैसे सूर्य की रोशनी मतलब आती है पड़ती है बच्चों के, उस समय पे बाल कटवाना चाहिए। जैसे 10 बज जाए, 10 बजे के बाद आप 10 बजे तक या 10 बजे के बाद 11 बजे तक आप बाल बच्चों के कटवा सकते हैं, क्योंकि बच्चों की जो रोशनी होती है सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बहुत ही शुभ माना गया है। और पेरेंट्स रात में तो बिल्कुल भी बच्चों के बाल ना कटवाएं। हमारे ज़माने में छोटे बच्चों के 3 साल तक के बच्चों के जो बाल होते थे वो कटते थे बाल, तो हम लोग एक उसमें ऐसे ले आते थे जो वो पॉलीथीन में या किसी कपड़े में ले आते थे, वहाँ पर जहाँ बाल कटवाते थे वहाँ बालों को पड़ा नहीं रहने देते थे, क्योंकि बाल जो पड़े रहते हैं तो उसमें भी कोई टुटका बच्चों के बालों में भी हो जाता है। इसलिए अच्छे नाई से अच्छे बार्बर से आप अपने बच्चों के बाल कटवाएं। और पेरेंट्स अगर हो सके तो आप अपने घर से ही बच्चे को लेके जाती हैं तो अपने घर से ही कैंची और कंघा लेकर के अपने घर से ही साफ सुथरा जो बच्चों का कंघा होता है वही लेकर के जाएं और नाई को दें तो उसी से आप अपने बच्चे के बाल कटवाएं, क्योंकि जो नाई का होता है तो अगर नहीं घर से लेके जाते हैं तो जो नाई की कैंची होती है तो उसको अच्छे से सैनिटाइजर करवाएं और उसको अच्छे से साफ सफाई करें, कंघे को अच्छी साफ सफाई होनी चाहिए तभी बच्चों के बाल कटवाएं, यानी अपने घर से ही ले जा करके बच्चों के बाल कटवाएं। और जो नाई के यहाँ का कंघा और कैंची होता है तो वो बहुत से लोगों के बाल काटते हैं और बनाते हैं, इसलिए उसमें जो बड़े लोगों के बाल होते हैं जो जिससे नाई काटता है कैंची से तो उन बालों के कीटाणु नाई के कैंची पर आ जाते हैं, कंघे पर आ जाते हैं, और छोटे बच्चों के काटते हैं तो वो कीटाणु बच्चों के सर पर आ जाते हैं जिससे कि बच्चे के बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। और अगर उनकी कैंची भी सही नहीं है तो बच्चों का जो सिर होता है वो बच्चों का सिर फबक जाता है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं और बाल झड़ने भी लगते हैं। पेरेंट्स हम लोग बच्चों की तरफ बच्चों के बालों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन बच्चों के बाल होना और बच्चों की अच्छी बाल की मतलब वो होना कि घने बाल हों, बच्चा देखने में क्यूट लगता है, और बिना बालों का जो बच्चा होता है वो इतना सुंदर और इतना क्यूट नहीं होता है, क्योंकि बालों से भी सुंदरता बच्चों की हो या बड़ों की हो तो बढ़ जाती है। तो पेरेंट्स ऐसे ही हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों से जुड़ी हुई अच्छी जानकारियाँ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप
आप एक लाइक जरूर से जरूर कीजिए और दूसरों से शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो दूसरों तक पहुंचे और दूसरे भी अपने बच्चे का, नन्हे मुन्ने बच्चों का अच्छी तरीके से ख्याल रख पाएं।